जी आज का रोज़ा भी माशाल्लाह इफ्तार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोज़ाना कहती हूँ अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अभी प्यारे प्यारे बच्चे रोज़ा कुशाई के लिए आए हैं, पहला पहला रोज़ा रख के, और माशाल्लाह इतना प्यारा तैयार होके आते हैं। ना सिर्फ प्यारा तैयार होके आते हैं, अब देखिए बिंदिया भी लगाई हुई है माशाल्लाह, है ना, कितनी अच्छी लग रही है। तो इनकी अम्मा जो है इनके लिए सहरी में बड़ा अहतमाम करती हैं, क्योंकि जाहिर बात है बच्चा पहली बार जब रोज़ा रखेगा तो माओं का दिल चाहता होगा कि पता नहीं पूरा मेज़ भर दिया जाए, चाहे इतना सा मेज़ हो, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ हो। और मतलब यही माँ बाप की मोहब्बत होती है। तो मैं सबसे ज़रा बारी बारी पूछूंगी कि सहरी में क्या क्या खाया, रोज़ा कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था, ठीक है ना। अभी ढेर सारी लड़कियाँ, एक ही लड़का, यहाँ से शुरू कर लें फिर भाई से। इतने प्यारे आप, इतना प्यारा कुर्ता पहन कर आए हैं, पता है आपको कितने क्यूट लग रहे हैं आप। जी जी, ये कॉन्फिडेंस चेक करें, कह रहे जी, बाकी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। नाम क्या आपका बेटा? वालियान। क्या नाम है? वालियान। मुझे नाम समझ नहीं आ रहा, वालियान इसको पता चल जाता है, किसी और का पता चलना चाहिए। अच्छा, कितना क्यूट गुपलूस है ना वैसे। अच्छा, आपका पहला रोज़ा था? नहीं, चौथा। चौथा था, लेकिन हमारे साथ तो पहला रोज़ा ही है ना, है ना। चले इस दफ़ा जो पहले पहले रोज़े रख रहे हैं ना, कई बार ये होता है लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहला रोज़ा वाला बच्चा है चौथे रोज़े वाला, तो अक्सर ये होता है कि इस रमज़ान में इन्होंने पहली बार रोज़ा रखा। तो चूंकि रोज़ाना बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं तो फिर ये इनकी बारी आते आते टाइम लग जाता है, तो तब तक इनके चार रोज़े हो गए, लेकिन हमारे साथ इनकी पहली रोज़ा कुशाई होती है। ये बेसिकली कैसा कैसा लगा रोज़ा रख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी एज क्या है? 8 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट हो आप, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा रोज़े रखने की तौफीक दे। अच्छा, आपने सहरी में क्या खाया था ये भी बता दें। अंडा खाया था? नहीं। पराठा? हाँ, पराठा खाया था। और पराठे के साथ क्या खाया था? दाल। दाल खाई थी, वाह मज़े की लगी थी दाल के साथ। पराठा वैसे अच्छा लगता है, चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सहरी में चावल नहीं खाए जाते। अच्छा बेटा, आप माशाल्लाह, पहले बताओ बिंदिया कहाँ से ली है? हाँ, दुकान से। दुकान से ली है, कितना अच्छा जवाब है, दुकान से ली है। अच्छा, मामा ने ला के थी, खुद ली थी? मम्मा ने लाके। दुपट्टा भी इतना प्यारा लिया हुआ, इतनी प्यारी लग रही हो आप तो, मामा ने तैयार किया। अच्छा, नाम क्या है आपका? अबीहा। अबीहा, मेरा बड़ा फेवरेट नेम है ये, मतलब पता है अबीहा का। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। सहरी में क्या खाया? बिलाई पराठा। क्या खाया? पराठा और बिलाई। पराठा और बिलाई। अच्छा 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 अच्छा, मरियम आपकी तरफ, आपने क्या खाया जरा तो बताओ। सहरी में रोजा तो नहीं रखा मरियम ने, कुछ खाया होगा। अच्छा, उठी थी, बस इतना बता दो। अंडा पराठा खाया। बहुत तेज, इसने नहीं भी खाया होगा तो बता देगी कि खाया था सबको देख के, है ना, बड़ी चिल्लाकू है ना। अच्छा नहीं बताओ, अच्छा ये उठती है सहरी में, सामने इसकी अम्मा बैठी हुई है तो आपको उठाती होगी, बल्कि के उठ जाए जल्दी से। हाँ, आपको उठाती होगी। आप तीनों बहनें तो नहीं हैं? नहीं। एक जैसे कपड़े कैसे? फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, पास पास रहते हैं, इत्तेफाक देखें, इत्तेफाक। चलें जी, तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेटा पहला रोज़ा था, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? अच्छा। भूख तो नहीं लगी? नहीं। प्यास? नहीं। अच्छा, सहरी में क्या खाया? बलाई पराठा और फेनी। ठीक है जी, और आपने क्या खाया? मैंने जो है अंडा पराठा और फेनी। और फेनी। अच्छा, और आपने क्या खाया? मैंने ऑमलेट पराठा खाया था। ऑमलेट पराठा खाया था, ठीक है जी। दही खाते हैं सब बच्चे? दही खाया था किसी ने? लस्सी पी थी? लस्सी पी थी आपने? आपने नहीं पी थी। पानी कितना ग्लास पीते हैं ज़रा, जब रोज़ा जब पता चलता है बंद होने वाला है, अजान होने वाली, तो पानी बहुत लोगों देर पीना शुरू कर देते हैं। आपने भी इस तरह किया था, जल्दी जल्दी पानी पिया था? मैंने एक गिलास। हाँ, लगता है कि इसका कोई टैंकी बना ली है स्टमक, उसके अंदर पानी सेव होता जाएगा ढेर सारा, 3-4 गिलास। नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।